तो पहले भराना पड़ेगा पेट्रोल, क्योंकि टाइम नहीं मिला, बहुत हड़बड़ी में ये राइड हो रही है। तो पहले फ्यूल अप करवा लेते हैं यहाँ से। तो गाइस हमारी जो राइड है वो स्टार्ट हो चुकी है, और अभी फिलहाल मैं हूँ HP के पेट्रोल पंप पे। तो आपको मैं एक बार उनसे मिला दूँ जो इस राइड में मेरे साथ है। दिस इज अभी एंड दिस इज राइडर अभी फ्रॉम रिमूव योर मास्क वन। आप तो इन्हें जानते हो, चेहरा एक ही आचे बट गोड़ों में पूरा शेके गए थी। ठीक है जी, यार राइट टा कौन दूर की बात हुआ करते हो। तो दिस इज रानी एंड तो एक बार मैं आपको बाइक दिखा दूँ कि कौन कौन सी बाइक हमारे साथ जा रही है। तो फिलहाल तो सब रॉयल एनफील्ड की ही बाइक्स है। तो ये है रॉनी की रॉयल एनफील्ड क्लासिक क्रोम 350 है ये, और ये डीजू की क्लासिक 350 है, एंड दिस इज ओविक थंडरबर्ड 350। द एंटायर राइड विल बी स्पॉन्सर्ड बाय ट्रिप्स विद अका। एक बार अगर आपका साथ रहा तो एक ना एक दिन तो स्पॉन्सर कर ही दूंगा, विद लॉजिंग सब होगा भाई। सिर्फ एक बार मोनेटाइजेशन ऑन होने दो, अच्छे अच्छी व्यूज आने दो, पैसा कमाने दो, सब होगा आराम से। तो फिलहाल तो हम बहुत लेट हो चुके हैं, तो चलो यार यहाँ से फटाफट निकलते हैं और मिलते हैं मेरी एक्शन कैमरा में। ठीक है चलो। सो गाइस हमारी जो राइड है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लोग जा रहे हैं कृष्णनगर रोड से। तो ये रास्ता जो है वन लेन मिलने वाली है काफी हद तक। तो मैं चाहता था कि दुर्गापुर एक्सप्रेस पकड़ के जाऊं, लेकिन वहां से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर सिलीगुड़ी को जो है ज्यादा पड़ता है, तो इसलिए हम लोगों ने सिलेक्ट किया ये वाला रोड। वैसे तो रात में ये थोड़ी सी खतरनाक है, तो मैं ब्लॉगिंग पर कंसंट्रेट नहीं करूंगा। मिलते हैं जब भी उजाला होता है, और अगर कुछ जरूरी बात करने को रही तो तब बात करेंगे। ठीक है, पता नहीं अब ये किस चीज की जैम है, बहुत लंबा चल रहा है ये जैम तो। और फिलहाल तो हम कृष्णनगर के आसपास ही है, मतलब 30 या 40 किलोमीटर ही से बाकी है कृष्णनगर को, और बहुत लंबी ये जैम है, और ये चल रही है लगभग 2 किलोमीटर से। अब ये किस चीज का जैम है मुझे तो पता नहीं। तो टाइम का भी मुझे कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि फोन मेरे पॉकेट में है और घड़ी भी मेरे पास नहीं है अभी हाथों में। सो गाइस अभी टाइम हो चुकी है ऑलमोस्ट 2:15, और अभी हम लोग है कृष्णनगर में। तो यहाँ का कुछ नज़ारा कुछ ऐसा है। तो हम लोगों की बाइक वहाँ पे पार्क्ड है, और यहाँ पे चल रही है चाय ब्रेक। तो यहाँ पे ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, सिर्फ 10 या 15 मिनट रुकेंगे, 2-3 चाय पियेंगे और फटाफट यहाँ से निकलते हैं। तो अभी तक की तो जो राइड थी काफ़ी ठीक ठाक थी, रास्ते तो यहाँ के उतने अच्छे नहीं है। मैक्सिमम जो स्ट्रेच हम लोगों ने अभी की है तो पूरी की पूरी वो सिंगल लेन थी, और रास्ते उतने खास नहीं है। तो ये जो पैच है मतलब बारासात से कृष्णनगर, ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है। एक्चुअली है 90 किलोमीटर, लेकिन ले लेती है मोर ऑर लेस 3 आवर्स तो ले ही लेती है। तो हम लोगों ने अच्छी राइड की, नॉन स्टॉप भगाया, और रात का यही एडवांटेज है कि ट्रैफिक कम मिलती है। तो जैम वैसे भी थोड़ी बहुत हम लोगों को मिला, लेकिन ठीक, तो इस रोड पर जैम मिलना तो यार मिलेगा ही मिलेगा। क्या भगा रहे हैं, जिसे देखो वो भगा रहा है। हो यार मजा आ रहा है। 120-115 अभी एवरेज है हम लोगों की। जस्ट कृष्णनगर रोड हम लोगों ने अभी क्रॉस की है, और यहाँ से अच्छा रास्ता जो है चालू हो जाता है, तो एकदम भगाओ। अपडेट ये है कि बहरमपुर में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, और अभी तो फिलहाल टाइम हो रहा है 4:00। बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में काफ़ी लंबी हम लोगों ने खींच ली है, क्योंकि थोड़ी बहुत पैचेस हम लोगों को अच्छा मिला। तो इन टोटल ऑलमोस्ट हम लोग चला चुके हैं 250 किलोमीटर, ऑलमोस्ट हम लोग चला चुके हैं, और 250 किलोमीटर के शायद आसपास ही होगी, लाइक 200-250 किलोमीटर के अंदर ही होगा। तो हम डिस्टेंस कवर कर चुके, तो ये डिस्टेंस हम लोग अभी तक तो कवर कर चुके हैं, तो ठीक है, ठीक ठाक चल रही है राइड। और रास्ते थोड़े से ख़राब है यहाँ के, मैक्सिमम सिंगल लेन रोड है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है रात को। ठीक है, कोई नहीं,
आराम आराम से जा रहे हैं। A few moments later. गुड मॉर्निंग एवरीवन, सनराइज हो चुकी है, मतलब सनराइज होने को है और अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं फराक्का। तो मतलब बहुत बहुत सारे चेंजेस हो चुका है यहाँ पे। पहले तो रास्ता बहुत खराब था यहाँ पे, जब मैं लास्ट यहाँ पे आया था शायद 2018 में, तो तब रोड कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी। अभी तो पूरी रोड कंडीशंस जो है बहुत ही अच्छी हो चुकी है, तो चलाने में भी मज़ा आ रहा है। और अगर मौसम की बात करें तो थोड़ी सी ठंड तो यहाँ पे है, मतलब गर्मी तो बिल्कुल ही नहीं लग रही है और ठंडा तो है थोड़ा सा, तो बीच बीच में पैचेस थोड़ी सी खराब है और अच्छी है मॉडर्नलेस रोड ठीक ठाक। फरक्का हम लोग पहुंच चुके हैं। ऐसे सिलीगुड़ी आई थिंक मैक्स टू मैक्स 200 किलोमीटर होगी शायद, 12 या 1 बजे के अंदर शायद हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे, लेकिन प्लान क्या है यह मुझे भी अब तक नहीं मालूम कि कहां तक जाएंगे, कहां रुकेंगे, कुछ भी नहीं पता। तो फरक्का सामने ही है, आई थिंक हार्डली 5 या 7 किलोमीटर रह गया होगा फरक्का को। तो अभी फिलहाल टाइम हो चुकी है ऑलमोस्ट 5:50 और हम लोग फरक्का के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, तो यहाँ पे सोचा कि एक होल्ड मारा जाए। 350 किलोमीटर्स हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर ली है और अभी हम लोग खड़े हैं हाईवे के सामने और वहाँ पे सनराइज ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत दिनों के बाद सनराइज देखने को मिल रहा है। तो ये खड़ी हमारी बाइक्स यहाँ पे, तो जस्ट यहाँ पे रुके हैं, 5 मिनट की एक ब्रेक ले रहे हैं, ऐसे ही जस्ट मजाक में ऐसे ही ब्रेक ले रहे हैं। तो जस्ट रुके ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, क्योंकि अभी सारा दिन पूरा बाकी है। सो हम एंट्री कर चुके हैं फराक्का बैरेज में। ये जो जगह आप देख रहे हो इसका नाम है फराक्का बैरेज। तो बैरेज वहाँ पे कहीं पे होगा। सनराइज ऑलरेडी हो चुका है, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गुजरा था तो उस टाइम पे फराक्का जो ब्रिज है यहाँ पे काम चल रहा था। मुझे अभी भी याद है हम लोग इस फुटपाथ के ऊपर से बाइक लेके निकल रहे थे और कितना जैम था यहाँ पे, और वो था शायद दोपहर को 2 या 2:30 बजे। तो ये था 2018 में, हाँ याद आया। तो काफ़ी सारी मेमोरीज है इस रास्ते के ऊपर मेरा, तो एक्चुअली मेरा तो स्कूलिंग भी हुआ कशियंग में, तो इस रास्ते से मैं बहुत गुजरता था पहले, तो बहुत बार आ चुका हूँ मैं इस रास्ते पे बाइक से। ये मेरी सेकंड टाइम है, लेकिन बस से बोलो आप ट्रेन से बोलो, ये ट्रेन लाइन है, ये ट्रेन की पटरी है, यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है। जितनी भी ट्रेन जाती है NGP को, मतलब सियालदा से, सब यही से गुजरती है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल सिनेरियो एक्चुअली, ओवरऑल इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो गाइस अभी मैं हूँ जस्ट मालदा के कुछ ही किलोमीटर आगे, यहाँ से अगर 7 और किलोमीटर जाया जाए तो आ जाएगी मालदा बाईपास। हम लोगों की प्लान अभी भी सेट हो नहीं पाया कि कहाँ जाके रुकेंगे आज, तो अभी हम लोग रुके हैं एक ढाबा के पास में, एक हाईवे के पास एक ढाबा में हम लोग अभी रुके हैं। वो ढाबा है जहाँ पे हम लोग रुके हैं और यहाँ पे सारी हमारी बाइक्स पार्क्ड है, और सोच रहे कि अगर रुके ही है तो ब्रेकफास्ट क्यों नहीं यहाँ से कर लिया जाए। नहीं एक्चुअली हम लोगों ने एक चीज डिसाइड किया, जिस राइड में वो ट्रिप स्वीट रखा उसका स्पॉन्सर मिलेगा उसी में ही हम लोग राइड करेंगे। सब्सक्राइब कर दो, स्पॉन्सर मिल जाएगा, तो जैसे जैसे सब्सक्राइब बढ़ेगा स्पॉन्सर भी मिलेगा और इन लोगों को फ्री में मुफ्त का मैं राइड भी दिलाऊंगा। एक बार सेल्फी खींच रहे हो, क्या कर रहे हो, स्टोरी अपलोड की? तो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर कर दी है, सुबह की फर्स्ट चाय हम लोगों ने पी ली है। Few moments later. Rider Riju, Rider Ovis, वहाँ पे Rider Ronnie. तो पूरी relaxing mode यहाँ पे चालू है, जैसे ही खटिया मिला भाई साहब एकदम लेट चुके हैं। सोचा था कि
आधा घंटा रुकेंगे यहाँ पे, लेकिन ऐसे कैसे तैसे हम लोगों ने डेढ़ घंटा यहाँ पे बर्बाद कर दी। तो यही एक सबसे बड़ी ब्रेक थी हम लोगों की अभी तक, क्योंकि कंटिन्यूसली हम लोग चला रहे थे और काफ़ी अच्छी स्पीड भी हम लोगों ने मेंटेन की। सीन ये है कि रिजू की बाइक जो है वो पंचर हो चुकी है। हम लोग गुजर रहे थे इस रास्ते से और अचानक भाई ने फोन किया कि यार पीछे आ जाओ, मेरी बाइक पंचर हो चुकी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, टाइम बहुत खा रही है क्योंकि वहाँ पे भी डेढ़ घंटा हम लोगों का चला गया जब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी पंचर तो शायद आधा घंटा हो ही चुका है ऑलमोस्ट, और फिर से जाना है सिलीगुड़ी और गर्मी भी बहुत हो रही है। तो देखते हैं, अभी तो मुझे ऐसा ही लगता है कि सिलीगुड़ी जाके ही रुकना पड़ेगा शायद, पता नहीं। तो एक्चुअली हम लोग रुके थे एक वाटर ब्रेक के लिए, उसकी मैंने कोई फुटेज नहीं ली क्योंकि यही रोड पे हम लोग रुके थे कि गर्मी बहुत है और ये रास्ता सीधा जाता है डालखोला को, और ये सिंगल लेन रोड ही है, ये चलेगा डालखोला तक, फिर डालखोला से इस्लामपुर से जो सिलीगुड़ी को कनेक्ट होता है वो अच्छी खासी हाईवे है। और सिलीगुड़ी तो यहाँ से और भी शायद यार मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर तो होगा ही होगा। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है वैसे वैसे आँखों में नींद बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि कल रात को हम लोगों ने सोया नहीं था, कोई भी नहीं सोया, तो उसका ये इफेक्ट है। तो हम लोगों ने अच्छा डिसीजन लिया कि रात को ही निकल गए, वरना सुबह को यार बहुत गर्मी है। और स्पेशली देखो एक हाईवे में अगर आपको एक स्ट्रेच मिलती है ना, तो उससे क्या होता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है और चलाने को भी मज़ा आता है। लेकिन अगर सिंगल वे रोड मिले और फिर यार यार खराब रास्ते हो तो वो मज़ा नहीं आता और वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। तो वही हो रहा है हम लोगों के साथ सुबह से। तो गाइस अभी टाइम हो चुकी है ऑलमोस्ट 3:30 और आज हम लोग रुके हैं लंच करने इस ढाबे पे। मेरे पीछे जो आप ढाबा देख रहे हो ना, उस ढाबे पे हम लोग आज रुके हैं लंच करने के लिए। तो बहुत भूख लगी थी क्योंकि सुबह को अच्छी तरह से नाश्ता भी नहीं किया। डिनर हमने लास्ट ली थी, वो लिया था कल रात को 10 बजे। तो एक्चुअली आज हम लोग सिलीगुड़ी पे ही स्टे करेंगे क्योंकि एक्चुअली जो हमारा परमिट बना है सिलकुट के लिए, तो वो परमिट हम लोगों को कल मिलेगा, तो इसलिए रंगपो जा नहीं सकते विदाउट परमिट। तो सबने डिसाइड की है कि चलो आज सिलीगुड़ी जाके स्टे कर लेते। तो अभी जहाँ पे हम लोग रुके हैं वहाँ से सिलीगुड़ी है ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर। तो कोशिश यही रहेगी कि 4:30 या 5 बजे के अंदर होटल ले ले, तो जाके टाइम भी मिलेगा, तो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड भी होगा, तो ज़्यादा चला के फ़ायदा भी नहीं हुई क्योंकि सब चाहिए होता है अपन को, ठीक है ना। तो गाइस लंच हमारी हो चुकी है यहाँ पे, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो पास में ही सिलीगुड़ी है, यहाँ से 55 किलोमीटर्स है सिलीगुड़ी, तो सिलीगुड़ी जाके आज हम लोग होटल ले लेंगे और आज की स्टे हमारी सिलीगुड़ी पे ही होगी। तो एक्चुअली सीन ये है कि ये रास्ते से हम लोग सिलीगुड़ी नहीं घुस सकते, ये जो रास्ता सीधा जाता है ये फुलबाड़ी को कनेक्ट होता है। तो पता नहीं कुछ ऐसा ही कुछ बोला, की बोल लो ओनली फॉर फोर व्हीलर्स।
वो एक सिलीगुड़ी रास्ता ना बाईपास, तो सीन ये हुआ कि हम लोगों ने गलत रूट ले ली, ये रास्ता नहीं है सिलीगुड़ी का, तो इसलिए अभी यू टर्न लेके फिर से वहां से बाईपास, ये बाईपास है सिलीगुड़ी में एंट्री की जो रास्ता है वो दूसरी तरफ है, हम लोगों ने गलत रूट ले ली। ये जो मेरे बाएं और दाएं आप देख रहे हो ना, ये पूरी चाय पत्ती की गार्डन है, ये पूरी सब चाय पत्ती की गार्डन है, तो यही तो स्पेशल है यही की, मतलब ये सिलीगुड़ी है, दार्जिलिंग में आप जाओगे तो दार्जिलिंग तो स्पेशल ही है, तो ये सारी है टी गार्डन, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और कितने दिनों बाद मैं फिर से देख रहा हूँ ये सारी चीज। तो गाइस होटल हम लोग पहुंच चुके थे बहुत ही पहले, तो काफी डिसेंट सा प्राइस में एक डिसेंट सा होटल भी हम लोगों को मिल चुका था, तो हम लोगों ने यहाँ पे ही स्टे कर ली, तो आज की रात हम इस होटल में ही स्टे करने वाले हैं, तो होटल की डिटेल्स मैं आपको कल, मतलब नेक्स्ट जो व्लॉग होगा मेरा उसमें मैं आपको होटल की पूरी डिटेल्स दे दूंगा। तो फिलहाल तो एक्चुअली हम लोगों की जो प्लानिंग है कुछ हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि जिस अंकल को हम लोगों ने परमिट बनवाने को दिया गुड़दंगमा का, तो वो अंकल कह रहे हैं कि गुड़दंगमा शायद हम जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ वेदर का कुछ तो सीन चल रहा है, मतलब स्नोफॉल हो रही है या तो फिर बारिश हो रही है, एक्सट्रीम बारिश हो रही है, तो इधर हम गुड़दंगमा जा नहीं पाएंगे या फिर जाएंगे हम लोगों को खुद भी पता नहीं है कि क्या होगा नेक्स्ट, तो इसलिए मैं कन्फ्यूज हूँ, आपको भी मैं बता नहीं सकता कि नेक्स्ट हमारी प्लान कहाँ पे जाएंगे हम। तो फिलहाल तो प्लान यही है कि अगर गुड़दंगमा नहीं होता तो शायद सिल्कुट करेंगे, और सिल्कुट के साथ और भी दो तीन जगह एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे, मतलब दार्जिलिंग पे या फिर शायद और कोई जगह पे, पता नहीं, ये आज रात को बैठ के हम सारे दोस्त आज हम लोग प्लान करेंगे, तो जो भी प्लान सही होगा वो कल को हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यार आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, टिल देन जस्ट ऑन फिल द विंड एंड कीप मूविंग, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।